बारहवें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी कल सहरिया जनजाति के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसे लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह ने बताया है कि पीएम जनमन के तहत सहरिया जनजाति परिवारों के हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा शत प्रतिशत लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास बातचीत आप सुनिए। कल बाना जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत बारह आदिवासी सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। यह संवाद उनका दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने पूरी तैयारी कर ली है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर की है और कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में झारखंड से पीएम जनमन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो हमारे प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो उनके साथी हैं, जो हमारी जो योजनाओं से छूटे हुए हैं, वंचित हैं, उनको लाभ दिया जाना, उनका सैचुरेशन करना। इसी क्रम में 12 जिले में भी सर्वे हुए थे और सर्वे करके लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया गया था और पीएम जनमन के अंतर्गत उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमने अभी दे दिया है। जैसे कि आपको बताऊं कि हमने 13,500 के आसपास पीएम आवास सेंक्शन करे हैं, जिसमें उनको 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे और 90,000 की पहली किस्त कल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उनके खाते में हस्तांतरित करी जाएगी। उसी तरह करीब करीब 23 किलोमीटर की सड़कें हमारी बनेंगी। साथ ही साथ हमारे जो 17,300 के आसपास हमारे जो ऐसे भाई लोग हैं जिनके परिवार घर बिजली कनेक्शन से वंचित थे, उसका कार्य भी सैंक्शन हो गया है। 2 हॉस्टल सैंक्शन हुए हैं, हो रहे हैं। साथ ही साथ 16 MPCs हैं जो सैंक्शन होके आ गए हैं। इसी के साथ जो हमारे सैचुरेशन वाली स्कीम्स हैं, जैसे कि EKYC हमारा आयुष्मान कार्ड का, उसमें 68,000 के आसपास लोगों का EKYC हो गया है। बाकी का हम कल तक पूरा कर लेंगे। आयुष्मान कार्ड भी बटना शुरू हो गए हैं, 4,000 लोगों को बट रहे हैं। इसी तरह की 11 तरह के जो हमारे इंटरवेंशन हैं उसमें हमने कार्रवाई करी है। इसी क्रम में भारत के जो 100 जिले चिन्हित किए गए थे और 12 जिला उसमें राजस्थान से इकलौता था, जो हमारी सहरिया जनजाति है उसके लोगों के लिए स्कीम चलाई जा रही थी, तो कल 8 जिलों का चिन्हीकरण किया गया है जिससे प्रधानमंत्री महोदय संवाद करेंगे। ये समरानिया में हमने स्थल को चिन्हीकरण किया है, वहाँ पर सारी तैयारियाँ करी जा रही हैं। 12 बजे से प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद जो हमारे लोकल स्तर पे कार्यक्रम होगा, जिसमें जो हमारे जो लाभान्वित लोग हैं उनको हम उनके लाभ जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बांटेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें और जो लोग अभी भी कुछ छूट गए हैं अगर लाभ लेने से, तो वो इन योजनाओं का पूरा लाभ लेके फायदा उठाएं। हंस पल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाबा।